हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। सो काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, एंड ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कुछ DIY पे वीडियो बनाऊं या ज्वेलरी पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मोस्टली जो वीमेंस मेरे ऐड हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी ज्वेलरी के लिए मुझे देखती हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद करती हैं। बट होता क्या है ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी आप मेरे को कमेंट्स करते हो, और ऑल्सो मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, मैंने आपको बोला है कि आपको जो भी मुझसे रिक्वायरमेंट होती है मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल सपना मनोहर, वहाँ पर मुझे बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट जो वीडियो होता है उसका टॉपिक चूज करती हूँ। तो अभी जो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी वो ब्लैक हेड्स पे और अंडर आईज पे जो रिंकल्स हो जाते हैं उनके लिए आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ब्लैक हेड्स पे बना लेती हूँ। उसके अलावा ऑल्सो मुझे थोड़ी जो सेकंड मैं बोल सकती हूँ, एक राजपूती जो चूड़ा होता है जो मैंने पहना था अपनी शादी में, जो मेरा चूड़ा है, उसके ऊपर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, जस्ट बिकॉज वो कुछ थोड़ा यूनिक था, हाथी दांत मिक्स गोल्ड था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मुझे बताइए। तो फर्स्टली जितने भी कमेंट्स होते हैं, जो हाइएस्ट रिक्वेस्ट होती है, मैं उन्हीं के ऊपर बनाती हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हो, हम अपना आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक हेड्स, यहाँ पर जो हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, मेरे पे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि फैब्रिक में ये शादी थी, उससे पहले मैंने बहुत केयर की अपनी स्किन की, और उसके बाद में मैं बहुत कम करने लग गई हूँ, तो मेरे भी ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एंड इसके लिए हम, आपको पता है, सैलून जाते हैं, पार्लर में जाते हैं, स्क्रबिंग करवाते हैं, क्लीनअप लेते हैं, फेशियल वगैरह करवाते हैं एक्स्ट्रा, उससे रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत जल्दी हो जाती है, डस्ट जो हमारे यहाँ जमा हो जाती है उससे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो जो मैं घर पर जो अपना फॉर्मूला यूज़ करती हूँ जिससे मैं अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करती हूँ, दो मेथड हैं, आज मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम फोर्थ स्टेप में करने जा रहे हैं, एंड इससे गारंटी से आपके जो ब्लैक हेड्स है वो रिमूव हो जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो है स्टीमिंग, हम अपने फेस को स्टीम देंगे। ये ब्लैक हेड्स के अलावा भी आप वीक में या 15 डेज में एक बार अपने फेस पे स्टीम दे लिया करो, इससे आपके है ना पोर्स जो होता है ना वो ओपन हो जाते हैं, आपकी डस्ट बाहर निकल जाती है, काफ़ी अच्छा होता है स्टीम करना अपने फेस को। बहुत ज़्यादा भी मत करो, कोई भी DIY होता है, कोई भी बताता है तो उसके पीछे ये नहीं कि हमें डेली करना है, उसका भी एक टाइम मेथड होता है। तो स्टीम करेंगे, सबसे पहले आप अपना फेस वॉश से अच्छे से फेस क्लीन कर ले। मैं अभी जस्ट मैंने शावर लिया है, मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाया, सिर्फ मैंने एक लिप बाम लगाई है और थोड़ा हल्का सा जस्ट यहाँ पर कलाइनर लगा, उसके अलावा मैंने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है। तो हम स्टीम लेंगे, स्टीम के लिए मैंने देखिए थोड़ा इस तरीके से पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल कर लिया है, देखो अभी इसके निकल रही है इसके अंदर से जो भाप जो होती है, शायद मे भी आपको ना दिख रही हो वीडियो में, तो इस तरीके से हमें लेना होता है। फाइव मिनट्स के लिए आप इस तरीके से ले लीजिए। इस तरीके से आपको स्टीम लेनी है, अगर मैं आपको पूरा 5 मिनट स्टीम लेके दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। देखिए इस तरीके से स्टीम लेने से क्या ना, हमारे ओपन जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स ओपन हो जाते हैं, डस्ट निकल जाती है, काफ़ी अच्छा मैं बोल सकती हूँ हमारी स्किन के लिए स्टीम होता है। स्टीम लेने के बाद में हमारा जो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए आपको करना क्या है ना, एक सॉल्ट लेना है, सॉल्ट के साथ में आपको ये पेस्ट लेना है, कॉलगेट, जो आप वाइट कॉलगेट करते हैं वो कॉलगेट लेनी है, सॉल्ट, नमक और कॉलगेट लेनी है। ऐसा कोई टूथब्रश ले लीजिए जो आपका यूज़ नहीं आ रहा हो, उसको इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, एंड ये आपका हो गया स्क्रब। अच्छे से आप इसको नोज पे स्क्रब कर लीजिए। एक्चुअली जब मेरी अभी शादी हुई थी फैब में, उससे पहले मुझे
ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा थी, मतलब दूर से ही मेरे फेस पे सिर्फ ब्लैक हेड्स दिखते थे। तो मेरे को क्या ना, एक बार मैं जब पार्लर में अपना क्लीनअप करवा रही थी, तो उस टाइम पे वो जो एक पिंस ही होती है ना, जो उससे निकालते हैं पार्लर वाले, मुझे उससे बहुत पेन होता है। एंड सीरियसली मुझे उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लैक हेड्स निकलवाना। मैंने एक ही बार ट्राई किया था, इट्स लुक फनी आई नो, बट उसके बाद में मैंने कभी नहीं निकलवाया पार्लर से। मैं इसी तरीके से अपने ब्लैक हेड्स निकालती हूँ, जस्ट लाइक जैसे हम अपनी टीथ को ब्रश करते हैं, उसी तरीके से मैं इसको ब्रश कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं बिल्कुल बोलना भूल गई हूँ, जो भी मेरे चैनल पे अभी न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से स्क्रब करना है। एंड डेफिनेटली इससे आपके जो ब्लैक हेड्स वो रिमूव हो जाएंगे। देखिए कुछ किसी भी चीज़ को जब हम अपने फेस पे, जैसे हमारे अंडर ये जो सर्कल्स हो जाते हैं, अंडर आई सर्कल्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, ये एक दिन में तो होते ही नहीं है ना, ये हमारी लापरवाही से बहुत दिनों में होते हैं। तो एक ही बार प्रोसेस करने से ये भी नहीं है कि ये रिमूव हो जाएंगे। आप दो चार बार करोगे तब जाके, बट हाँ आपको उसको एक ही बार करने से जरूर आपको फायदा नजर आएगा। अब स्क्रबिंग हो गया है इसका, पोंछ लीजिए इस तरीके से साफ से टॉवल से। मुझे मेरे फेस पे बहुत ही ज्यादा से ठंडा ठंडा फील हो रहा है कोलगेट के कारण, फैल गया ये एक्चुअली। उसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो जो हमने गर्म पानी लिया था उसमें टॉवल को अच्छे से डिप करिए, बिल्कुल निचोड़िए मत, थोड़ा सा पानी रहने दीजिए। और उसके बाद में आप उसको अपने नोज पे इस तरीके से रखिए, गर्म पानी में डुबो के इस तरीके से रखिए। तो जो भी डस्ट है वो और बाहर आ जाएगी। दो तीन मिनट के लिए आप इसको करिए। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे ना, अपना जो पैक बनाएंगे ब्लैक हेड्स के लिए, हम एक पैक रेडी कर रहे हैं उसके लिए। देखिए सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है शुगर, जो नॉर्मल चीनी जो होती है उसको आप इमानदस्ते में थोड़ा सा कूट लीजिए, बिल्कुल भी मत कूटिए, थोड़ा बस थोड़ा सा हमको उसको क्रश करना है। कूट के वो ली है मैंने इसमें थोड़ी सी, उसके अंदर मैं थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला रही हूँ, जस्ट इतनी सी, क्योंकि सिर्फ मैं इस पैक को एक्चुअली पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ इतने इतने एरिया में लगा लीजिए, बट पूरे फेस पे भी लगा लीजिए। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ, इनफ होता ही हमारे एक फेस के लिए। कर्ड ले रही हूँ मैं दही, ये देखिए पैक अब अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं थोड़ा या ज़्यादा। उसके बाद में जो फोर्थ, देखिए मैंने अभी तक मुल्तानी मिट्टी, चीनी कूट के और दही, ये तीन चीज़ मिलाई हैं। अब हमारा जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है गुड वाइब्स का चारकोल पाउडर। आप मेरे सभी वीडियोस में देख चुकी हो, मैं मोस्टली गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें पैराबिन नहीं होता, सल्फेट नहीं होता है, तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं अपनी स्किन के लिए। आप चारकोल किसी भी कंपनी का ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं गुड वाइब्स का यूज़ करूँ तो आप गुड वाइब्स का लें। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, इसलिए मैंने आपको बताया कि गुड वाइब्स का है। उसके अलावा आपको पील मास्क जो होते हैं चारकोल के, वो भी रेडीमेड मिल जाते हैं, आप डायरेक्टली उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं इस मेथड के बाद में। देखिए आप मेरी नोज़ को देखिए, थोड़ी थोड़ी शाइनिंग कर रही है ना, इसमें ब्लैक हेड्स मोस्टली रिमूव हो चुके हैं। देखिए आप, अभी मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट आपके सामने है। और उसके बाद में मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ, चारकोल पाउडर। फील मास्क मुझे इतना थोड़ा नहीं पसंद है अपनी स्किन के लिए,
तो इसलिए मैं चारकोल यूज कर रही हूँ। एकदम न्यू ही है ये, देखिए अभी जस्ट आया ही है, पिछले वाला जो था वो मेरा खत्म हो गया था। कैसी फॉर्म में है देखिए, थोड़ा सा हम इसको लेंगे और हम इसको मिक्स कर देंगे। आप पील मास्क लगा सकते हो, बिल्कुल आपकी इच्छा पे है। एंड आपके पास चारकोल नहीं है ना, तो आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि चारकोल आएगा तब हम ये करेंगे, या फिर चारकोल नेसेसरी चीज़ है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास चारकोल नहीं है ना, तो आप इस पैक के में दही, मुल्तानी मिट्टी, चीनी, ये सब, ये तीन चीज़ मिला के भी आप अपना पैक बना सकते हैं। इसकी प्राइस तो शायद इस पर नहीं लिखी हुई है। हाँ, 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 150-150 रुपए का ही है ये। एंड गुड वाइब्स के प्रोडक्ट के साथ हमेशा एक गिफ्ट फ्री मिलता है। मुझे एक बनाना शैम्पू फ्री मिला था, तो मेरे को यूज़ का नहीं, जस्ट बिकॉज मैं कैरेटिन करवा रहा था, तो कैरेटिन शैम्पू एंड कंडीशनर लेती हूँ, बट वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिया है यूज़ करने के लिए। मैंने इसमें थोड़ी सी दही और मिलाई है। पैक रेडी है, अब हम इसको लगाएंगे। ओ माय गॉड, बहुत ही डरावना लुक होने वाला है ये मेरा। हाँ, इसको लगा के आपको 15 मिनट रखना है। एंड प्लीज़ प्लीज़ अभी की अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सिर्फ आपको उसको 15 मिनट्स के लिए रखना है। क्या क्या करना पड़ता है लड़कियों को देखिए। बच गया मेरे पास में, तो इसलिए मैं इसको नेक पे भी लगा लेती हूँ। आई थिंक जो मेरी डेली वीडियो देखते हैं उनको आज एक चीज अलग लग रही होगी। गेस व्हाट, क्या बैकग्राउंड। अब मैं जो डेली वीडियोस बना रही हूँ उसमें आपको बैकग्राउंड अलग लग रहा होगा, बट हम स्टार्टिंग के जो वीडियोज हैं वो आपको इसी बैकग्राउंड में मिलेंगे, जस्ट बिकॉज मैं अपने घर आई हुई हूँ अभी। तो अभी आने वाले कुछ वीडियो आपको इसी बैकग्राउंड में मिलने वाले हैं। 15 मिनट आप इसको ड्राई कर लें। ओके, देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड मैं इसको बिल्कुल नहीं ड्राई करूँगी। ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है बट मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है, मैं इस तरीके के पैक को बिल्कुल ड्राई नहीं करती हूँ। अब इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए अभी फेस वॉश हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल मेरे एकदम रिमूव हो चुके हैं ब्लैक हेड्स। आप इसको वीक में 2 बार करें, आपको 1-2 बार से ही आपको थोड़ा फर्क मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप ऐसे मतलब लाइक इस तरीके से आप करते रहेंगे वीक में 2 बार, तो ब्लैक हेड्स बहुत कम आपके मतलब होने ही बंद हो जाएंगे। डस्ट ही होती है जो हमारे यहाँ पर जमा हो जाती है। एंड उसके बाद में फेस पे सिर्फ यही हाईलाइट होते हैं, तो ना कुछ भी लगा लीजिए, मॉइस्चराइजर, क्रीम, जो भी आप यूज करते हैं, सीरम।
होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो मैं कभी कभी ज्वेलरी के कभी कभी DIY शेयर कर रही हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। आगे आपको जो भी वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ शेयर करती हूँ अपने ज्वेलरी से रिलेटेड, ड्रेसेस से रिलेटेड। थैंक यू।